बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि ममता बनर्जी यानी कि दीदी आखिरकार भवानीपुर के साथ में नंदीग्राम से क्यों लड़ने जा रही हैं। पहले इस जगह को समझिए, ये भवानीपुर है, साउथ कोलकाता में ममता बनर्जी का चुनावी क्षेत्र। देखिए यहाँ लिखा है मित्रा इंस्टीट्यूशन, यहीं पर ममता बनर्जी वोट डालती हैं। ये जगहें बहुत कुछ कहती हैं और ये देखिए ममता दीदी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। ये यूं तो टीएमसी का गढ़ माना जाता है लेकिन चीजें बदल रही हैं। दो उदाहरण देता हूं उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। पहला उदाहरण यहाँ वार्ड नंबर 73 है जहां खुद ममता बनर्जी रहती हैं। वहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता दीदी के वार्ड में 496 वोटों से लीड ले लिया बीजेपी ने। और दूसरा उदाहरण इस पूरे भवानीपुर में सिर्फ करीब 3200 वोटों से ही ममता बनर्जी की पार्टी को लीड मिली थी। ये 2019 के चुनाव का नतीजा है। तो मामला बहुत ही क्लोज होता जा रहा है और चुनौती कौन दे रही है, उनको बीजेपी दे रही है। तो हम जहां पर हैं यहां कुछ बीजेपी के नेता हैं, भवानीपुर में आखिरकार बीजेपी का प्लान क्या है ये समझेंगे। हम टीएमसी के लोगों से बात करेंगे, उनके समर्थकों से बात करेंगे, लेकिन ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इंद्रजीत खटीक हैं, बीजेपी के यहाँ के लीडर हैं भवानीपुर के। इंद्रजीत जी मुझे एक बात समझाइए कि दीदी ने ये इरादा किया है कि वो भवानीपुर के साथ में नंदीग्राम भी लड़ेंगी, ठीक है ना। टीएमसी की ओर से ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को सीधी चुनौती है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप तो भवानीपुर में ही पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं। चुनौती उनका लिए है क्योंकि लास्ट लोकसभा चुनाव पे उनका क्षेत्र पे 8 वार्ड है, उसमें 6 वार्ड पे वो हारे ही है। इवन जो वार्ड पे अभी वो रहती है 73 नंबर वार्ड पे, उधर पे भी उनका मतलब और धराशायी होगी ये, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि वो तो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का ये, लोकसभा विधानसभा में ये कहते हैं कि चीजें बदल जाती हैं, ये तो गढ़ है ममता बनर्जी का, तो अपना गढ़ छोड़ के क्यों जाएंगी। लेकिन जुलूम नहीं बदला है इधर पे, जिसने इनलीगल पार्किंग होता है देख लीजिए, पार्किंग है, रास्ता का हालत बुरा हालत पे है, कैप्चरिंग है, जमीन दखल हो जा रहा है, घर दखल। समझना ये चाह रहा हूँ जी कि आखिर, हाँ मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो भवानीपुर छोड़ करके क्यों, मतलब छोड़ करके नहीं जा रही हैं पर भवानीपुर के साथ वहाँ से लड़ रही हैं, उसका वजह आपको क्या समझ में आ रही है बताइए। उनको डर लग गया है, हारने का डर है, हारने का डर है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से वो हार जाए, इधर से क्या उधर भी हारेगा, इधर भी हारेगा उधर भी हारेगा, समय आ गया है, समय का विनाश उनका साथ शुरू हो गया है, अब उनको टाइम हो गया जाने के लिए। आप सारा लोकसभा के नतीजों से अंदाजा लगा रहे हो कि वो हारेंगे? ये जमीनी पब्लिक का मतलब व्यू है। हाँ। ये हम लोग मतलब कोई मतलब लोकसभा चुनाव का आधा में नहीं बोल रहे। अच्छा, और पब्लिक का भी, और भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मुझे एक बात समझाइए कि भवानीपुर है, ये दीदी का गढ़ है, बीजेपी की क्या तैयारी है यहाँ पर? बीजेपी बेसिकली अंदर से बोलेंगे तो बहुत मजबूत है, सामने 50% लोग आते हैं, इनके अत्याचार से बहुत डरते हैं, कोई भी कार्यकर्ता सामने आता है तो उनपे थाना डायरेक्ट बुला के थाने में बोलते हैं कि आप टीएमसी कीजिए बीजेपी। मैं अभी आपसे सिर्फ पॉलिटिकल चीज समझना चाह रहा हूँ कि दीदी यहाँ से नंदीग्राम गई हैं, मतलब छोड़ा नहीं है इसको पर नंदीग्राम भी गई हैं, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आप देखेंगे तो उनके संगठन में बहुत बदलाव की है दीदी, ये 2-3 साल में लगातार बदलाव, यहाँ बदलाव किया भवानीपुर में, भवानीपुर में इस तरह का बदलाव, बहुत बदलाव जो उनके ब्लॉक के हैं या जो इस एरिया में काम करते हैं उनको उठा के दूसरे जगह देना। अच्छा, दूसरे कोई, आप लोग भी उनके आदमी को तोड़ रहे हैं? हम लोग तोड़े तो उनको जोड़ना तो उनका काम है, हम तो अपना पावर। आप तोड़ेंगे वो जोड़ती रहे, वो अपना काम करती रहे, आप अपना काम करती रहे, इधर काम तोड़ने का और उनके लिए चैलेंज जोड़ने का। हम लोग देखिए उनका घर है, वो उनको कैसे संभालेंगे उनकी जिम्मेदारी है, कांच का घर रहेगा तो टूटेगा ही। आज जो हमको उनपे बहुत कभी कभी दया आता है कि जिन लोगों को लेके उन्होंने घर बनाया आज उनके गले का कांटा बन गया है, आखिर उनके लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। हमें समझना है कि बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट है भवानीपुर दीदी का गढ़ है यहाँ पर जीत को लेकर, कैसा हो पाएगा? 100% वी आर कॉन्फिडेंट, 100% आप? यस वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। 100 या 70-80? वी आर 100% कॉन्फिडेंट। एक बड़ी वजह बताइए इसकी। एक ही वजह है इनकम्बेंसी इफेक्ट, यहाँ जो पर्सनल लेवल में जो दुर्नीति हुआ है मुख्यमंत्री का पूरा परिवार, आप जानते हैं ये हरिशंका जी रोड कह लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जैसा चल रहा है ये हरीश मुखर्जी चेंज होके बैनर्जी रोड हो जाएगा। अच्छा, ऐसा सिचुएशन है। हाँ। इसी के चलते हम लोग वी आर कॉन्फिडेंट। पर दीदी तो इतनी कॉन्फिडेंट है कि भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम भी उतर गई, वहाँ भी चैलेंज देने उतर गई कि उनको लगा ये तो जीतेंगी, इसमें क्या है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जब उनको पता चल गया ये भवानीपुर में वो जीतने वाला नहीं है, इसीलिए वो नंदीग्राम भेज गए। अच्छा, दौड़ के चला गए।
शी इज क्वाइट श्योर दैट शी इज नॉट विनिंग फ्रॉम भवानीपुर। राहुल गांधी जैसी स्थिति है वो बता रहे हैं क्या? राहुल गांधी जैसी हालत है, वही हाल है एकदम 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 बिल्कुल। राहुल गांधी की तुलना में दीदी का तो पंजाब बंगाल में बताते हैं कि बहुत ज्यादा दीदी की पकड़ है, ऐसा कहते हैं टीएमसी के लोग। 2009 में भी कांग्रेस पार्टी का यही हालत था, लेकिन 2014 में जब मोदी जी का वोट आया ना तो राहुल गांधी कहाँ चला गया हम लोग को मालूम है। अब समय का इंतजार कीजिए, और 2 महीना बाकी है, ममता जी का हालत क्या होने वाला है वो बंगाल का जनता बता देगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट और सब मिलते हैं भवानीपुर में, आप अगर रैली निकालना चाहें तो आसान है रैली निकालना? एकदम नहीं, नहीं नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी बार बार कह रहे हैं अभी दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत, पहले बहुत दिक्कत होता था, पहले प्रशासन बाधा डालता। प्रशासन नहीं है, प्रशासन नहीं बाधा डालता। हाँ बाधा डालता। और टीएमसी के वर्कर, टीएमसी के वर्कर तो मतलब क्या दुरंत अत्याचार। अच्छा, सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे राजनीति ऐसा हो गया कि कंपनी का जैसा हो गया, एक लीडर है उसका बाद मैनेजर है उसका बाद सब स्टाफ है, वो राजनीति चलने वाला है नहीं ज्यादा दिन। और हम लोग का जैसा बीजेपी में है सब कोई एक साथ में जुट के काम करो, डायरी वायरी लेके पूरा चलते हैं, हिसाब किताब रहता है किस वार्ड में क्या हो रहा है। नहीं जी जी पूरा हिसाब किताब इनके पास है। वो डायरी इसलिए है जो अभी जुलुम कर रहे हैं ना उनका नाम लिखा जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? समय आने पे दिलीप दामले को बोला है हमारा राज्य सभापति वो नाम का लिस्ट देने के लिए, तो उसलिए डायरी लेके घूमते हैं, जहाँ पर कुछ भी होता है वो डायरी में नोट डाउन हो जाता है और नाम भेजना है दिलीप दामले के पास। इसीलिए दिलीप दादा जो बोला तो उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया। दिलीप हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग का अभिभावक है, तो डायरी में नाम नोट हो रहे हैं। डायरी में नाम नोट हो रहे हैं, मतलब जो होगा कानून के तहत होगा, कानून के साथ पे होगा, इनलीगल कुछ नहीं होगा, लेकिन डायरी में नाम नोट हो, डायरी में नोट नोटिंग किया होगा। डायरी भर तो नहीं गई है? नहीं भर नहीं गई है, बहुत जल्दी भर जाएगी, तेजी से भर रही है एकदम, आधा से ज्यादा भर गया, भर गया आधा से ज्यादा भर गया है। तो देखिए हम सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर हम बात कर रहे थे, बीजेपी के नेता हैं, भवानीपुर के पदाधिकारी हैं, और भी चलेंगे इस भवानीपुर के चुनाव क्षेत्र में। और यहाँ पर हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 2019 के जो चुनाव हैं वो ममता बनर्जी के लिए उसके नतीजे परेशान करने वाले हैं। वो उनका अपना वार्ड वार्ड नंबर 73 वहाँ वो पीछे हुई हैं, जो नतीजे सामने आए हैं बहुत कम मार्जिन से बीजेपी इसमें टीएमसी को लीड मिली है। तो ये सारी नतीजे, ये सारे तथ्य हैं जो तथ्य बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो बैकग्राउंड में यहाँ पर चल रहा है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।